नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त गेमर स्काई और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस वॉक थ्रू में जिसका नाम है पोकेमॉन क्वेट्जल वर्जन। पिछली बार हम लोगों ने फिफ्थ जिम बैच जीत लिया था, नॉर्मन को हरा दिया था हमारे डैड को। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं सर्फ एरिया एक्सप्लोर कर लूँगा और डायरेक्टली ऑन स्क्रीन आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही दिखाऊंगा। और जस्ट लाइक आई प्रॉमिस, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, मुझे सिर्फ मैप देखने का कोई अवसर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं। और मैं जाते जाते आपको दिखा सकता हूँ और पोकेमॉन भी देख लिए कौन से कहाँ पर क्या अवेलेबल है। फिलहाल तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा मिला नहीं है, जब मिलेगा तब मैं आपको दिखाई दूंगा। फिलहाल जो मैंने स्पॉट्स छोड़े हैं वो हम देखेंगे, जैसे कि आइटम वाइटम कहीं पे मिलते होंगे तो हिडन आइटम्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो अपेंडेंट शिप मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, वो मैं आपको जानबूझ के ऑन स्क्रीन एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा ताकि आपको भी पता चले कुछ नया उसमें है ऐड किया हुआ या नहीं। तो जानबूझ के मैंने वो एक्सप्लोर किया नहीं है। आई होप कि आपको मज़ा आएगा ये वीडियो देखिए, क्योंकि सर्फ पार्ट जो बैटल्स का था वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ये आपको मालूम होगा रेजाइस, आई थिंक रेजाइस का केव है ये। फिलहाल तो वहाँ पर कुछ नहीं है, एक आइटम यहाँ पर था तो हमने ले लिया है। बैटल्स हो गए हैं यहाँ पर, तो ताकि रीज़न पीछे उसका यही एक ही है कि आपको कंटाला नहीं आना चाहिए कुछ भी करके। टॉक्सिक यहाँ पर हार्ड स्केल वो आने के कारण एक्सप्लोर करना मुमकिन नहीं है। डाउजिंग मशीन है क्या यहाँ पर? यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। ठीक है, एक आयन मिला यहाँ पर। नहीं, ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पर भी। रूट 106 पर आ चुका हूँ मैं ऑफिशियली। ये रिपेल सिस्टम मेगा पावर जैसी है, जिस किसी ने भी मेगा पावर खेला है उनको मालूम होगा। अगर हम आपके पास दो तीन टाइप के रिपेल्स हो, अगर वो इनकेस ख़त्म हो जाए तो आपको पूछता है एग्जैक्टली कौन सा यूज़ करना है फिर आपको। अभी हम यहाँ पर डिफर्ट टाउन के अंदर, वो केव है आपको मालूम होगा, वहाँ पर एक स्पॉट है जहाँ पर मार्क बाइक के थ्रू हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी वो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ऑन स्क्रीन नहीं दिखा सकता हूँ कि मैं कैसे वो फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम मुझे वो क्या बोलते हैं उसको रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर स्पॉट में जाने के लिए। तो एक बार मैं ऑन स्क्रीन ट्राई करता हूँ, हो गया तो अच्छी बात। ओह ठीक है, मैं करके ही आता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने वो पहला तो पार कर लिया है। चलो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं। कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है, मेरा पोपट हो चुका है वैसे देखा जाए तो। एटलीस्ट मुझे एक रिपेल मिला यहाँ पर, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली दूसरे स्पॉट पे जाने के बाद ही आपसे मिलता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी सक्सेसफुली आ चुका हूँ मैं। एक रेयर कैंडी, ठीक है, एक एग्रोनाइट, नाइस, और एक एवरस्टोन, ठीक है। तो यही सिर्फ आइटम्स बाकी थे हमारे लेने की। अभी हमारा ग्रेनाइट केव कम्प्लीटली एक्सप्लोर हो चुका है, तो अब बेझिझक अभी आगे बढ़ सकते हैं हमारी जर्नी में। 3 सुपर रिपेल लगे मुझे, वो स्काई पिलर में कितना टाइम लगने वाला है क्या मालूम दोस्तों। चलो फिर डिफर्ट टाउन से भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी बैटल्स तो हो चुके हैं, सिर्फ आइटम्स लेने बाकी है, तो वो देख के जाना पड़ेगा मुझे कहाँ पर क्या छोड़ा है मैंने क्या नहीं। यहाँ पर हिडन आइटम नहीं है। ये रहा अबैंडन्ड शिप। ओके, हिडन आइटम तो कुछ नहीं है अबैंडन्ड शिप के अंदर। फिलहाल तो मैं अबैंडन्ड शिप अबैंडन्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जो पार्ट्स है वो पहले एक्सप्लोर कर लेता हूँ मैं स्लेट पोर्ट तक के। बैटल्स तो सारे हो चुके हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आइटम्स कलेक्ट करने हैं, वो मैं ऑन स्क्रीन आपके सामने कर लेता हूँ पहले ताकि आपको भी पता चल जाए। कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो आपको कलेक्ट करने में आसानी होगी, मेन तो हिडन आइटम्स। बाकी आइटम्स तो क्या आप भी कलेक्ट करते ही होंगे, उसमें कुछ डाउट नहीं है मुझे। आई वी अब ओके, यहाँ पर भी कुछ नहीं है और शायद यहाँ पर अभी स्लेट पोर्ट का बीच लगेगा। यप, चलो फिर शिप अबैंडन शिप बाकी है। चलो फिर मैं, हमने ऑलरेडी अबैंडन कर दिया था अबैंडन शिप को। सुपर रिपल्स भी मेरे इसी के साथ खत्म हो चुके हैं और मैं इसी के साथ अबैंडन शिप में आ चुका हूँ। एम्प्टी मेटल, ओके, ये बंदा भी तुरंत चैलेंज करेगा मुझे। वैसे मुझे एक अच्छा चॉइस मिल गया है वाटर टाइप के लिए,
ना मीटर फॉल्स में हॉर्सी, ड्रैगन स्केल भी हमारे पास, हम इवॉल्व भी कर सकते हैं उसे। ओके यही पर आता है, बिग नगेट, थैंक यू। ये तो एम्प्टी है। स्टोरेज इज पेंटेड ऑन डोर, चलो कुछ नहीं दोगे तुम, ठीक है। यहाँ पर वो डाइव स्पॉट है, फिलहाल तो जा नहीं सकते। एक एस्केप रोप, थैंक यू। बैटल, एक्सलेंट। ओ डाइव बॉल, थैंक यू। एम्प्टी है ये कुछ दे नहीं रहे मुझे। ओ डबल बैटल, दमीजी बैटल, एक रिवाइव मिला मुझे यहाँ पर। ये एम्प्टी रूम है, डबल बैटल। एक बंदा रूम के बाहर ही हमारा इंतजार कर रहा है, ये रहा वो भागता हुआ, इससे बैटल कर लेते। ठीक है, सिंपल बैटल था, सिर्फ मैरिल यूज़ किया उसने, एक मैक्स रिपेल। आई एम इन्वेस्टिगेटिंग दिस शिप ऑन बिहाफ ऑफ कैप्टन स्टर्न, ही ऑल्सो आस्क मी टू फाइंड अ स्कैनर बट आई हैवंट हैड एनी सक्सेस। उसके लिए आपको डाइव की ज़रूरत पड़ेगी, स्टोरेज की मिली है मुझे, मैं तो चला वहाँ पर, तो जब डाइव मिलेंगे तब हम वापस यहाँ पर आएंगे। फिलहाल तो हम स्टोरेज रूम में चलते हैं। आइस स्टोन मिला है हमें, एक्चुअल में यहाँ पर आपको टीम मिलता है आइस बीम का, खैर कोई बात नहीं। बाहर आ चुके हम लोग, अभी हम जा सकते हैं डायरेक्टली टेलीपोर्ट करके स्लेटपोर्ट सिटी, क्योंकि बीच का पार्ट तो मैंने एक्सप्लोर भी कर लिया है और आपको दिखा भी दिया है क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, तो वापस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये पार्ट है सर्फ रिलेटेड एरिया, तो यही है, देखना पड़ेगा यहाँ पर कुछ है कि नहीं। शायद से मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, रहेगा तो ऊपर के बाजू ही रहेगा। यप, रेयर कैंडी, ठीक है, यही पार्ट रह गया था। इसी के साथ पूरा वाटर पाथ एक्सप्लोर हो चुका है हमारा। यहाँ पर एक पाथ है एक्चुअली जो न्यू मार्वल की तरफ जाता है, और उसकी की चाहिए जो हमें मिलेगी वॉटसन की तरफ से, तो फिलहाल तो हम वहाँ पर जा नहीं सकते, तो चलो फिलहाल तो डायरेक्टली मार्वल सिटी चलते हैं। रिपेल यूज़ करने की ज़रूरत लगता तो है मुझे, खैर वॉटसन से पहले बात नहीं करेंगे, पहले देखाते हैं यहाँ के जो वाटर रूट्स है वहाँ पर कुछ है या नहीं। चलो कुछ नहीं, ऐसे नहीं ले सकते क्या? ठीक है कोई गल नहीं, कुछ नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बीच के रूट्स में भी कुछ नहीं है, कोई वाटर एरिया है ही नहीं, डायरेक्टली मीटियर फॉल्स के इधर है। तो चलो फॉलाबर टाउन चलते हैं अभी डायरेक्टली, मीटियर फॉल्स और फॉलाबर टाउन में अभी सर्फ एरिया, रसबोरो सिटी के ऊपर, अदरवाइज किधर भी सर्फ एरिया नहीं है। देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं है सर्फ के लायक, मतलब सर्फ एरिया है मगर आइटम्स वहाँ पर कुछ नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। एक रिपेल, ठीक है, यहाँ पर भी, ओ ये आइटम रिस्पॉन हुआ, देखो दोस्तों मैं बोलता था ना आइटम्स रिस्पॉन होते हैं कुछ कुछ एरिया में। लीफ स्टोन मिला मुझे ऐसे ही फॉकट में। चलो मीटियर फॉल्स में भी सर्फ एरिया आपको दिखा देता हूँ, ताकि मैं रसबोरो का एरिया भी देख लूँगा, उसी बहाने हम फिर डायरेक्टली वॉटसन का मिशन कर सकते हैं फिर आज के एपिसोड में। यहाँ पे फिलहाल के लिए हमें एक्सेसिबल सर्फ एरिया ये एक ही स्पॉट है, तो वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो जाने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है। स्टेयर केस के इधर पत्थर रखे हैं, तो ऑफकोर्स ये एरिया भी हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, 115 रूट है हमारे लिए एक्सप्लोर करने लायक जो सर्फ एरिया है। आपको मालूम होगा ये रसबोरो सिटी के इधर से आता है रूट, मैंने ऑलरेडी ट्रेनर्स को हरा दिया है यहाँ पर, एक बार ऊपर जाके देखता हूँ, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं मैंने उनको ऑलरेडी हरा दिया है। ये देखो ट्रेनर्स कोई कुछ नहीं कर रहे मुझे, ये मैं ऑलरेडी हरा चुका हूँ, सिर्फ आइटम्स लेना बाकी है वो ले लेता हूँ मैं। बेरीज तो क्या आप लेंगे नहीं लेंगे, मैं तो एट दी एंड बेच ही देता हूँ बेरीज, जो किसी काम की नहीं है, जो पुकी ब्लॉक वाला बनाने में काम आती है वो तो मैं बेच देता हूँ, जो सिट्रस बेरी है फिर स्टेटस इफेक्ट बेरीज है वही रखता हूँ मैं। सनस्टोन मिला है जो कि ओरिजिनल गेम में यहाँ पर नहीं मिलता, तो ये मेरे लिए एक नई बात थी, शायद आपके लिए भी हो। इन आइटम की तलाश में हम हमेशा रहते हैं।
यहाँ पर तो कुछ नहीं है, बाइक छोड़ सकता हूँ अभी मैं। ओके, एक आयन, ठीक है, अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पर। चलो फिर डायरेक्टली मार्वल सिटी चलते हैं, फिर से वॉटसन से बात करेंगे, और वॉटसन से बात करने के बाद न्यू मार्वल की तरफ बढ़ेंगे। मगर उससे पहले यहाँ पर भी एक सर्फ एरिया है, वो भी देख लेते हैं। अभी मुझे याद आया कि यहाँ पर भी एक सर्फ एरिया है। ओके, एच पी अप। ओके, यहाँ पर तो वैसे कुछ नहीं है, इतना बड़ा एरिया है, मुझे डाउट आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है हिडन आइटम होने के चांसेस है यहाँ पर। नहीं है, चलो ठीक है, चलो फिर मावेल, चलो वॉटसन से बात करते हैं। ओ स्काई, यू लुक लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ जिप, दैट्स अ गुड थिंग। हा, फाइन, आई हैव डिसाइडेड, आई नीड अ फेवर स्काई। मार्वल सिटी हैज़ एन अंडरग्राउंड सेक्टर कॉल्ड न्यू मार्वल। स्काई, आई शुड लाइक यू टू गो देयर एंड स्विच ऑफ द जनरेटर। द जनरेटर हैज़ बिन रनिंग अ बिट हाई वायर, इट्स गेटिंग अनसेफ हियर। दिस इज द की टू गेट द न्यू मार्वल। थैंक यू, बेसमेंट की मिली हमें। डोंट वरी, डोंट यू वरी अबाउट इट, इट वॉन्ट बी अ चैलेंज टू यू। द एंट्रेंस टू न्यू मार्वल इज जस्ट अ शॉर्ट सर्व अवे फ्रॉम रूट 110। दैट्स इट, यू न्यू हैव माई ट्रस्ट। वो हा, ओके, वॉटसन का ट्रस्ट हमारे पास है, और बेसमेंट की भी अभी हमारे पास है, जिसके कारण हम आगे बढ़ सकते हैं अभी न्यू मार्वल की तरफ। डोर इज अनलॉक, बेसमेंट की से मैंने डोर ओपन कर दिया है। हमारा एक प्लस पॉइंट ये यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई ट्रेलर्स नहीं है, और जो इलेक्ट्रोड वगैरह है वही सिर्फ हमें चैलेंज करेंगे। ये देखो जैसे कि ये, मगर हम तो क्या रन ही करने वाले बैटल से, मुझे बैटल करने में कोई शौक नहीं इन लोगों का। एक फुल हील, एक अल्ट्रा बॉल, और यहाँ से शायद एग्जिट होगी वापस, जहाँ से हमने एंट्री ली है। एक्चुअली मैक्स रिपेल तो मैं यूज ही करूँगा, यहाँ पर भी शायद इलेक्ट्रोड या फिर वोल्टोर, वोल्टोर भी है। एस्केप रो, पैरालाइज हिल, ओ यहाँ पर वोल्ट ऑफ था, ठीक है। यहाँ पर भी और नॉर्मली एक जगह पे आइटम होता है, एटलीस्ट ओरिजिनल एमराल्ड में तो ऐसे ही था, एक जगह के बाद अगर आइटम होगा दूसरी जगह पे वोल्ट ऑफ। यहाँ पर तो सब जगह पर वोल्ट ऑफ, वोल्ट ऑफ भी है, आइटम इतना नहीं मिल रहे मुझे। ये देखो ओरिजिनल गेम में एक सा, ओ शाइनी वोल्ट और मे भी जानबूझ के स्पॉन किया गया होगा, बाद में मिलेगा नहीं शायद से, मुझे वैसे भी चाहिए नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। जनरेटर अपीयर्स टू हैव स्टॉप्ड। ओके, और एक थंडर स्टोन भी मिला हम लोग को, चलो निकल लेते हैं यहाँ से। कहाँ पर इसका स्विच, ये रहा, ओके एक्सप्लोर तो कर लिया हमने, कुछ इतना खास मिला नहीं थंडरस्टोन के अलावा। फो हा, आई न्यू इट्स स्काई, आई न्यू आई शुड मेड द राइट चॉइस आस्किंग यू। दिस इज माय थैंक्स, अ टीएम कंटेनिंग थंडरबोल्ट, गो ऑन, यू हैव अर्नड इट। इलेक्ट राइट सर, थैंक यू। हा, इट प्लीजेस मी टू नो एंड टू सी द यंग स्टेप अप एंड टेक चार्ज। थैंक यू, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी ये एरिया मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, चाहे वो वाटर एरिया हो या फिर ट्रेनर्स हो, तो हमें साइड बाय साइड ट्रेनर्स को भी चैलेंज करना होगा। रिपेल, गुड रॉड, चलो ले लेता हूँ गुड रॉड में। बैटल नाइस, कोई हिडन आइटम्स नहीं है। ओ स्टीवन, हाय स्काई, इट्स मी स्टीवन, वी मेट इन द केव नियर ड्यूफर्ट। हैव यू मेट मेनी काइंड्स ऑफ पोकेमॉन सिंस आई लास्ट सॉ यू? देर आर मेनी मेनी काइंड्स ऑफ पोकेमॉन इन दिस वाइड वर्ल्ड ऑफ आवर्स। इफ यू वॉन्टेड टू रेज ओनली योर फेवरेट्स, दैट्स फाइन, पर हैप्स यू फाइंड इट मोर फन टू रेज ऑल सॉर्ट्स ऑफ पोकेमॉन। एज अ ट्रेनर ऑफ पोकेमॉन, वॉट डू यू थिंक? ऑफकोर्स इज नॉट एनी ऑफ माई बिजनेस,
इट वुड बी नाइस इफ वी वेर टू मीट अगेन समवेयर. श्योर, गुड बाय स्टीवन. मेरा आइटम तो कुछ नहीं है, और सिट्रस बेरीज वगैरह मिल रहे हैं जो कि एज हिडन आइटम बहुत ही अच्छे हैं. ओके, रोड 118 119 है उधर. चलो मैं इन सबको पहले हरा के आता हूँ, फिर आप कौन स्क्रीन डायरेक्टली आइटम्स दिखाता हूँ. बैटल्स के दौरान हमारा रूट इवॉल्व हो रहा है अपने लास्ट स्टेज में, और ये ऑफिशियली लास्ट बैटल है ये रूट पे फिलहाल के लिए. कॉन्ग्रेचुलेशन, योर रूट इवॉल्व इनटू सिंड्रेस. सिंड्रेस में इवॉल्व हो चुका है. पायरो बॉल सीखना चाहता है, डेफिनेटली सिखाऊंगा. मैं एम्बर हटा देता हूँ उसके लिए. ठीक है, ये सारे बैटल यहाँ पर फिलहाल मेरे हो चुके हैं. मैं आपको डायरेक्टली आइटम्स दिखा सकता हूँ क्या क्या मिलते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं. हिडन आइटम तो कुछ नहीं, मे बी यहाँ पर हो सकते हिडन आइटम. रिपेल्स ऑफ कोर्स यूज़ करना पड़ेगा. ओह, हिडन आइटम है ही नहीं. रूट 123 उस तरफ है, ये रूट 118 उस तरफ है. वो बैटल एक रह गया. ओके, बेरी मास्टर हाउस, उसके घर जाके आओ, उससे बात करो, आपको बेरीज देगा. मैं गोस्ट बेरी, कॉर्न बेरी, प्रिटी पेटल फ्लावर शॉप, ये हम विजिट करते हैं वहाँ पर. कुछ तो उसके बारे में, ओह मैंने कुछ बोला ही नहीं फिर भी मुझे वो बेरी देती है. एक्चुअल में आपको कुछ अच्छी बातें बोलनी पड़ती है बेरी मास्टर के अगेंस्ट, तो वो आपको बेरीज देती है, अदरवाइज नहीं देती है वो. तो मैंने तो कुछ बोला नहीं, मगर फिर भी दे दी मुझे बेरीज उसने. चलो बेरीज उठा लेते हैं फिर यहाँ से. मगर ये कुछ काम की नहीं है वैसे देखा जाए तो बेरीज. अगर आपको पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में इंटरेस्ट है, बहुत लोग होंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर ट्रेनर ही रहेगा, कोई भी हो सकता है जिसको इंटरेस्ट है पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में, पोकी ब्लॉक्स में टू बी ऑनेस्ट. तो आपके लिए अच्छी है ये बेरीज, आप यूज़ कर सकते हो उनको. मुझे तो इंटरेस्ट है तो मैं तो बेच ही देता हूँ वो. 2 4 6 8 10 12 12 बेरीज मिले टोटल, मतलब टोटल 12. तो वैसे देखा जाए तो 4 4 बेरीज हर एक क्वालिटी के, हर एक प्रकार के. चलो यहाँ से भी आगे जाते हैं, यहाँ पर एक बैटल होगा. ओके, रेड आइटम तो नहीं है यहाँ पर, मगर मुझे एक हाइपर पोशन मिल गया. रिपेयर्स तो यूज़ करना ही पड़ेगा. ओके, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए. अगली बार हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हमारी जर्नी में आगे बढ़ेंगे. ऑफ कोर्स आपको लग रहा होगा यह बहुत छोटा वीडियो है, थोड़ा बड़ा हो सकता था. कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा बड़ा वीडियो बना दूंगा. फिलहाल एक्चुअली मुझे बाहर जाना है और मेरे पास टाइम कम है, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा छोटा है. मैं ये एरिया एक्सप्लोर कर लूँगा ताकि अगले एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा कोई टाइम पास नहीं होगा. तो मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा.